नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त के डी ओडियो की तरफ से। तो दोस्तों देखो, वीडियो को पूरा एंड तक, शुरू से एंड तक कंप्लीट वॉच करना भाई। वीडियो बहुत ही देखो बेहतरीन होने वाली है, और बहुत अच्छी चीज़ें मैं इस जो सर्किट के बारे में वो आपको बताने वाला हूँ आज स्पेशल। देखो, इस कंप्लीट एम्पलीफायर के बारे में नहीं बताऊंगा कि कंप्लीट एम्पलीफायर में क्या है। देखो, कंप्लीट एम्पलीफायर तो आपने कंप्लीट कई बार देख रखा, बट आज जो बताने वाला हूँ स्पेशल, मैं आपको बस इस सर्किट के बारे में बताने वाला हूँ, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये जो सर्किट है भाई, ये जो वास्ट ट्रैवल का सर्किट है, ये शायद ही आपने कभी देखा होगा किसी के पास, क्योंकि बेसिकली इसको बनाने वाले अभी या तो हम हैं या एक और हैं हमारे अजीज, उन्हीं के पास इसका बेसिकली जो क्या कहते हैं, अभी तक इसका जो सर्किट है वो है, और किसी के पास नहीं। और ये सर्किट भाई लोग अब चालू हुए हैं भाई एम्पलीफायर बनाना, 4 साल, 5 साल, 10 साल हुआ ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, जो अब यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट करा है जिन्होंने। बट भाई ये जो सर्किट, ये जो कंपैरिजन है, ये भाई 1988 का ये वाला ऑडियो बोर्ड है फिलिप्स का, और ये वाला सर्किट सेम इसी के साथ का है। मतलब आप सोच सकते हैं, ये 30-35 साल पुराने सर्किट मैंने आपके सामने रखे हैं। सिर्फ क्या है कि इनको भाई नए तरीके से बनाया है। जो पुराना सर्किट मैं आपको दिखाऊँ, जो सन हमने आपका मंगाया था, जो क्या कहते हैं आपका सन 1988-90 के आसपास में जो सर्किट था, वो ये वाला सर्किट था। आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसी हो चुकी है। तो ये सर्किट किसी ने दिया था बना के, ठीक है। उस टाइम इसका चार्ज इतना था कि शायद उस टाइम बहुत ज़्यादा चार्ज था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है, इस कंप्लीट एम्पलीफायर की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी सिर्फ इस बास ट्रेवल सर्किट की वैल्यू है आज। तो वो ऐसा इसलिए है कि दोस्तों, मेनली ये जो सर्किट है, ये आपको वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है जो आपके अहूजा के एम्पलीफायर प्रोवाइड करते हैं। जो अहूजाज के जो एम्पलीफायर है, अहूजा के हैं ना, जितने भी एम्पलीफायर हैं, आप शुरू से एंड तक कोई भी एम्पलीफायर ले लो, वो क्वालिटी जो आपको अहूजा में मिलेगी, सेम क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी। कोई 1% ऊपर नीचे वो नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये सिंगल सप्लाई में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार कंप्लीट दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि आप ये यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 20, ये 0 को मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ पे 20, ये सिंगल सप्लाई यहाँ हो जाता है, और ये 0-12 यहाँ है। तो ये सर्किट बेसिकली डिपेंड करता है कि, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हाँ, ये जो ऑपरेट हो रहा है भाई, ये डायरेक्ट आपका 55-60 वोल्ट, मतलब 50 से 60 वोल्ट के बीच में सर्किट डायरेक्ट ऑपरेट हो रहा है सिंगल वोल्टेज के अंदर। तो भाई देख लो, कोई भी डबल वोल्टेज मैंने यहाँ यूज़ नहीं करी है। आप इसको भी देखोगे तो भाई ये भी सिंगल वोल्टेज 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये आपका 20-0-20 है, जिसमें 0 छोड़ के मैंने 20-20 यूज़ करा हुआ है, तो 0-40 की वोल्टेज की सप्लाई बनी हुई है। ये इसमें क्या है कि दोस्तों, सिंगल सप्लाई के अंदर इसका गेन इतना बेहतरीन है, लिमिटेड गेन है बिल्कुल। जो आपका जिस हिसाब का गाना होगा, उस हिसाब में ऑटोमेटिक अपने गेन को सेट करता है। ये इस बास ट्रेवल की खासियत है, और इस बास ट्रेवल में आपको इनबिल्ड लाउडनेस में देखने को मिलती है, जो कि आप ये वाला सॉकेट आप देख रहे हैं, ये वाला इनबिल्ट लाउडनेस के साथ इसमें मिलता है। ये बेस हो जाता है, ये ट्रेवल हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अब ट्रेबल और बेस के साथ ही भाई इसका एक पूरा एक सूटेबल वॉल्यूम टोन लगाने पड़ते हैं। ये नहीं है कि भाई कोई भी बास ट्रेबल 100K लगा दो चल जाएगा काम। भाई तो इसमें 100K वॉल्यूम टोन नहीं लगेंगे। ठीक है, बेस के साथ कुछ और लगेगा और ट्रेबल के साथ कुछ और लगेगा। और हाँ, अगर आप ये वाला बास ट्रेबल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम के साथ भी बास ट्रेबल जो आपका मेन वॉल्यूम है, जो आपका मास्टर वॉल्यूम है, उसके साथ भी आपको वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। सेम वॉल्यूम नहीं लगेगा, उसका मेजरमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो लाउडनेस है इसका, मैं आपको बताता हूँ क्या है जो काम है इसका लाउडनेस का। जो भाई ये लाउडनेस जो चलती है, ये बेसिकली अगर आप इसे बाहर की तरफ ऑफ रखेंगे, तो इसमें जो दो ट्रांजिस्टर हैं हमारे, जो दो ट्रांजिस्टर रहेंगे उन पे ये बास ट्रेवल एक्टिव रहेगी, दो ट्रांजिस्टर पे। ठीक है, अगर बाहर की तरफ ये लाउडनेस रहता है, ये वाला पुश ऑफ पुश बटन, अगर इसे आप अंदर की तरफ पुश करते हैं, तो ये 4 ट्रांजिस्टर पे एक्टिव हो जाएगी। तो मेन बेसिकली अभी वर्क यही है इसका। तो भाई ये सर्किट ठीक है, इस तरह से वर्क करता है। और भाई इसमें एक एक कंपोनेंट की जो वैल्यू है, वो भाई बिल्कुल ऐसा है कि थोड़ी बहुत अलग है। और भाई ट्रांजिस्टर तो मेनली कॉमन होते हैं, बाकी भाई जो चीज़ इसमें लगाई गई है, वो बहुत सारी चीज़ें हमने अलग लगाई हैं। पर भाई देखो, जिस भी हम कस्टमर को ये वाला बास ट्रैवल का सर्किट देते हैं भाई, वो हम उस पर क्या है कि अपना ब्लैक कलर का पेंट मार देते हैं, स्प्रे पेंट मार देते हैं। पर भाई देखो, लोगों का क्या है कि भाई आप कुछ भी कर लो, कितना ही कुछ मार लो, कॉपी हम इसमें केमिकल थिनर डाल के, फलाना थिनर डाल के हम इसको साफ कर लेंगे। तो उनकी जो मेंटिलिटी वो ये है कि हाँ, ये बंदा जो इस पर कुछ भी करके जो दे रहा है हमें, हमें इसको साफ़ करके इसकी अंदर की जो खुराफ आती है वो देखने की, क्या कुछ लगा रखा है। तो भाई देखो, हमें खुशी होती है कि लोग इस चीज़ से भी खुश होते हैं कि वो हमारी खुराफ आती को देखना चाहते हैं कि क्या लगा रखा है, तभी हमें लगता है कि हमारी पॉपुलरिटी है।
ठीक है, बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भाई देखो जिनको ये लगता है कि भाई जिसने मेहनत करी है उसका क्रेडिट उसी को जाना चाहिए, तो वो भाई आज की डेट में बहुत ही कम ऐसे बंदे हैं जिनको ऐसा लगता है। बाकी बहुत सारे जिनके अंदर कीड़ा है, दिमाग की कीड़ा, वो ये सोचते हैं कि भाई क्या इन्होंने लगाया, स्प्रे मार दिया, इस पर क्लिक कर इसका पूरा सिस्टम हटा के, ठीक है। तो भाई देखो दिमाग कोई आदमी कैसा भी लगा सकता है भाई, किसी इंडिया एक ऐसा देश है भाई जहाँ पे सब आदमी जुगाड़ के ऊपर डिपेंड है, किसी की अपनी प्रोफेशनसी नहीं है किसी भी वर्क में, जिनकी है भाई उनको पता है कि वो किसी से इतना बहसते नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो पर्सनल सर्किट है भाई वो ये ही दो सर्किट हैं देखो जिनके ऊपर हमारा KDOD चैनल टिका हुआ है। बाकी भाई लोगों का क्या है कि भाई किसी का सर्किट चुरा, जितने भी यूट्यूब पे आज की डेट में देखो 100 में से 70% 60% में यही कहूँगा कि लोग एक दूसरे के सर्किट चुरा चुरा के उनके PCB प्रिंट कर करके सेल कर रहे हैं, ठीक है। बट हमने अभी तक अपना यही रखा हुआ है, और जो चीज़ भाई हम लेके आते हैं मार्केट से बाकायदा हम उस पर कह देते हैं ये डेक्सा का है, ये सेलकॉन का है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। और जिनमें भाई हम मॉडिफिकेशन करते हैं हम उनमें भी बता देते हैं कि भाई हमने यहाँ मॉडिफिकेशन करी है, इसमें इतना मॉडिफिकेशन करा है, ये चीज़ हमने इसमें इतनी डाली है, ठीक है, वो चीज़ हमारा हो जाता है। अब भाई बात करते हैं इसमें जो लगा हुआ है इसमें कितनी वोल्टेज जा रही है, क्या इसकी हमिंग वगैरह, लोगों को लगता है कि भाई इसमें आपकी हमिंग है चैनल में आपकी इस बास ट्रैवल में, तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है भाई। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये आप चेक कर सकते हैं, ये वूफर लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले लगे हुए हैं, इसके साथ साथ नीचे वाले भी लगे हुए हैं। अब ये वाले जो हैं भाई ये हमारा 155x25 mm मैग्नेट में 2.25 इंची बोर के अंदर कॉइल के अंदर इन आउट कॉइल के अंदर है सेम, ठीक है। और नीचे वाले 135mm मैग्नेट में 150 वाट का एक वूफर है, 150 वाट का एक वूफर है, 300 वाट ये हो जाता है, 300 और 300 वाट 8 ohms के हैं, सारे 8 ohms के, 4 ohms का कोई नहीं है, 8 ohm 8 ohm 8 ohm और 8 ohm, ठीक है। पैरेलल करके 4 ohm बनेगा, पैरेलल करके 4 ohm बनेगा, एक चैनल पे 4 ohm, एक चैनल पे 4 ohm, 300 प्लस 150 वाट 450 वाट 300 प्लस 150 वाट 450 वाट, तो 900 वाट का लोड इस पे एम्पलीफायर पे रहने वाला है। अब लोगों का भाई एक ऐसा बंदा था जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जिसने कमेंट करके कहा कि भाई 900 वाट लोड है, आप लोगों को पागल बना रहे हो, इतना चूतिया मत बनाया करो लोगों को। मैं कहा भाई देखो मैं किसी से भाई भैंसता नहीं हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई आपका आने का खर्चा मैं दे दूंगा, जाने का खर्चा मैं दे दूंगा, बट जो लोड मैंने दिखाया अगर वो लोड निकलता है तो आपसे डबल वसूले जाएंगे। तो भाई इतना मैं लोगों से कह सकता हूँ, अगर भाई वो इस चीज़ पे भी एग्री नहीं होते तो भाई देखो भैंसा मेरे से जाता नहीं है। मैं बस एक ही चीज़ उनको बता देता हूँ कि जो लोड हमने बताया वो लोड आपको इस एम्पलीफायर पे चला के दिखाया जाएगा, जितने भी हमारे एम्पलीफायर है सब पे यही लोड चेक कराता हूँ मैं। और भाई आप कहो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा आप खुद आपके हाथ में एम्पलीफायर थमा दूंगा, आपके हाथ में सारा सिस्टम दे दूंगा, आप चला के देख लीजिए, ठीक है। और आप मुझे बता दीजिए कि भाई आपके सिस्टम पे ये लोड फूक गया है या ये चीज़ उड़ गई है। तो ऐसे हैं बंदे कि भाई 900 वाट का लोड ही नहीं होता, क्यों लोगों को पागल बना रहे, भाई वो डिपेंड करता है आपके एम्पलीफायर पर। अगर आप सिंगल एक स्पीकर लोगे 900 वाट का और एक आपने एम्पलीफायर ले लिया स्टीरियो मोड में, ठीक है, तो वो उसकी जो पावर है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और रही बात अगर 900 वाट का एम्पलीफायर ले रहे हो आप, तो आप भाई 900 वाट का आप स्पीकर ले रहे हो तो 500 वाट का एम्पलीफायर ले लो मोनो चैनल पे, तो भाई वही आपकी स्पीकर की धज्जियाँ उड़ा देगा तरीके से अगर आप चलाओगे उसमें, अगर उसका सर्किट सही है तो, ठीक है। बेशक भाई वो डिपेंड करता है आपके एम्पलीफायर की जो पावर है उस पर, क्या पावर, क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्या क्वालिटी है, वो स्पीकर पर डिपेंड नहीं करेगा कि स्पीकर आपकी कैसी क्वालिटी लेगा, वो डिपेंड करेगा आपके एम्पलीफायर पर कि आपके एम्पलीफायर कैसी क्वालिटी देगा बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो ये चीज़ भाई किसी से ऐसे फालतू में बहसबाजी ना करें, क्योंकि देखो आप होशियार हैं तो लोग आपसे भी ज़्यादा होशियार है, वो आपको गलत ठहरा देंगे एक मिनट में, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई फिर भी जिनको विश्वास नहीं होता तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई आने जाने का खर्चा मेरी तरफ से रहेगा, ठीक है, आप आ सकते हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, आइए खर्चा दे पूरा आपका मैं उठूंगा। बट भाई देखो जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो चीज़ पे अगर हम स्टेबल हैं, अगर आप स्टेबल नहीं रहे तो भाई आपसे डबल वसूला जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। ये चीज़ मैं अपनी वीडियो में क्लियर कह देता हूँ लोगों से कि लोग भाई भैंसते बहुत है कमेंट में कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी भाई मैं आपको इसमें जो बास ट्रैवल में मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि जो बास ट्रैवल में भाई हमारे में वोटनी आई स्पीकर के मैंने पीछे की तरफ आप देख लीजिए लगे हुए चैनल, मैं 12 वोल्ट का सर्किट वोल्टेज पे नहीं चला सकते, ये करेंगे वो, मतलब के सवाल जवाब। तो भाई भी मल्टीमीटर मैंने आफ्टर को मैंने 200 की रेंज पे यहाँ सेट कर लिया, 200 की रेंज पे, और आपके सामने मल्टीमीटर को भी रख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, शायद आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि कितना वोल्टेज वगैरह आ रहा है, ठीक है, बास ट्रैवल में वो सारी चीज़ें मैं आपको चेक करा दूंगा अभी। और
पहले देखिए मैं थोड़ा सा पहले इसको ऑन करूँगा, तो आप हमिंग सुनना कि हमिंग है या नहीं है इसमें। बेस को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ट्रेबल को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, और जो मेरा सिलेक्टर स्विच है उसको भी मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ इसे ऑन, ठीक है? तो ऑन करते हैं पहले, सबसे पहले इसको, तो इसको ऑन करते हैं पहले भाई, और उसके बाद कुछ देखेंगे कि भाई हमिंग कितनी है। लोगों को लगता है कि भाई इस सर्किट में हमिंग बहुत है, लोग बम बना देते हैं 1 मिनट से पहले। तो ये आप देख लीजिए, मैं यहाँ से इसको पुश करता हूँ, ये ऑन हो गया, ठीक है? ये यहाँ पे मैंने कर दिया। अब इसको ये आप देख लीजिए, पूरा वॉल्यूम आ दिया। तो ये स्पीकर पीस बना का एकर लगे हुए हैं, नहीं है स्पीकर भी बहुत है, और वाट इज मैं यहाँ से वोल्टेज वगैरह रहने वाली है, वो सारी वोल्टेज पे चेक करता हूँ मैं। आपको ट्रांस के एसी पे मेरी ट्रांस है, मैं इसको चार, ये आप ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर पे चेक करके रखिए कि ट्रांसफार्मर में अब मिल रही है, ठीक? तो ये को मैंने और एक को मैंने इस पे रख सकते हैं, 20 वोल्ट एक साइड है और दूसरा सेम 20 वोल्ट है। तो जीरो को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं है, मैंने एक एक इस पे रखा है और एक आपका इस पे रखा है, तो मुझे वोल्टेज मिल रही है 42 वोल्ट, ठीक है? तो भाई अब मेन इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि कितनी वोल्टेज इस बास ट्रेवल के अंदर आ रही है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे देखो मल्टीमीटर ऑन है, सेट करता हूँ ये, मैंने इसको सेट कर, एक मैंने अपना जहाँ पे मेरी वोल्टेज इन हो रही है, और एक मैं वोल्टेज कितनी आ रही है डीसी वोल्टेज 1 पॉइंट मतलब पहुँच जाती है भाई। ये अभी जो फिलहाल में करंट में आ रहे भाई, ये देख लीजिए 55 वोल्टेज तक ये जा रही है। अब आप सोच सकते हैं भाई वोल्टेज हम बास ट्रेवल को तो उसकी क्या क्वालिटी होने वाली है भाई। अभी तक आपने जो बास 0-12 पे ही देखे ज़्यादातर, मेनली आपने कोई दूसरी ऐसी बास ट्रेवल देखी ही नहीं है कि जो भाई आपका 50 देखी होगी, तो लास्ट मैक्सिमम आपने 30 वोल्ट 25 वोल्ट तक देखी होगी। देख सकते हैं इसमें कितनी वोल्ट, 50 वोल्ट अभी आपके सामने है। मैंने कोई वीडियो कट नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा है, ठीक है? अब इसमें भाई साउंड टेस्टिंग करेंगे हम, कि साउंड टेस्टिंग इसमें क्या रहने वाली है, वो साउंड टेस्टिंग में भी आपके सामने करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी मैं एक जो है अपना वीडियो को कनेक्ट, फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? मेरा फ़ोन वगैरह को मैं इससे कंप्लीट कनेक्ट करके तब आपको सुनाऊँगा, ठीक है? तो भाई देखो मैंने कनेक्ट कर रखा है गाना, डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, मैं उठा के दिखाता हूँ, डिस्प्ले चल रही है, ठीक है? बेस को मैं कंप्लीट ऑफ कर देता हूँ, लाउडनेस ऑफ है मेरा, लाउडनेस भी ऑफ है, बेस भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, और वॉल्यूम भी ऑफ है, और स्पीकर लगे हुए हैं। क्लियरिटी आप सुनना कि कितनी ट्रेवल की कितनी ऑफ है, अभी ट्रेवल अभी चालू नहीं है। अब वॉल्यूम देख लो आप कहाँ रखा है, ट्रैवल के साथ साथ बेस को भी ऑन करेंगे। मैं एक चीज आपको बता देता हूं भाई, इस बास ट्रैवल की क्या खासियत है कि भाई अगर आपको अपने स्पीकर फाड़ने हैं तो भाई आप वॉल्यूम को पूरा खोल के आप बेस को पूरा खोल सकते हैं। अगर भाई आपको अपने स्पीकर की जान प्यारी है तो भाई बेस को सिर्फ इतना ही खोलें, उससे ज़्यादा ना खोले, क्योंकि मैंने अभी जो वॉल्यूम है बहुत कम करके इसकी बेस पूरी करी थी। अगर मैं इसकी वॉल्यूम पूरी थोड़ी सी ज़्यादा खोल के बीच में करके 50% खोल के इसकी बेस पूरी कर दे, 900 वाट है, 4000, कोई ये मिनट में उसको बराबर आइडिया है। प्ले करते हैं, कॉपी देखते हैं कोई और में अच्छा सा, तो हम कर चलाते हैं। अब है लाउडनेस, लाउडनेस ऑन, अभी मेरे दिमाग में दोस्तों एक ये है कि मैं कोई झंकार बीट के जो सॉन्ग्स होते हैं ना, वो आपके सामने प्ले करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? झंकार बीट देखो कॉपीराइट तो आने वाला है, बट भाई कॉपीराइट ना,
तो कार बीट, उसमें आप हाँ बास ट्रैवल की क्या क्वालिटी है। तो लगाता हूँ मैं कोई एक अच्छा सा झनकार बीट का कोई सॉन्ग, ठीक है। तो मुझे शायद एक आध ये है, मैं इनको लगाता हूँ, ठीक है, करता हूँ मैं प्ले। तो देखो गाने मैंने लगा लिए भाई, अब कॉपीराइट का पूरा चांस है, ठीक है। अब वीडियो को भाई पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अब मैं इसकी क्वालिटी आपको चेक कराऊंगा कि साउंड की क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, तो ये देखना। अब भाई अभी तक मैंने इसको ऑन नहीं करा अभी तक भी, ठीक है। अब इसको ऑन करके क्वालिटी देखते हैं क्या क्वालिटी है। भाई गाने को ऑफ करते हैं और एम्पलीफायर को करते हैं ऑफ, ठीक है। ये देखिए भाई क्वालिटी आपको सुना दिया मैंने भाई, जो भी भाई बास ट्रैवल को देखो। अब मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अब भी कोई भी दिक्कत है तो भाई ईयरफोन को यूज़ करके सुने, क्वालिटी आपको पता चल जाएगी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और भाई बेहतरीन है क्वालिटी कुल मिला के ना। मैं आपसे ये कहता हूँ कि 200%, 100% भी नहीं, 200% इस जैसी बास ट्रैवल अभी तक आपने यूज़ करी ही नहीं होगी, मैं इस चीज़ का फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। जो भाई देखो जितने भी मेरे से भाई सीनियर्स भी हैं, जो भी अभी क्या कहते हैं यूट्यूब पे हैं, जो सीनियर्स हैं जो मेरे से एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो इस बास ट्रैवल की क्वालिटी सुन के बता सकते हैं। जो भाई नई एज के लड़के हैं ना, जो जो जैसे नई एज में मैं आपको बताऊँ 20-22 साल 25 साल तक के जो लड़के हैं, 30 साल तक के, उनको भाई इस बास ट्रैवल का मज़ा ही नहीं आएगा, 101% मैं कह रहा हूँ। जो भाई ओल्ड एज के लोग हैं, जिनको पुराने गाने सुनने का शौक है, या जिनको पुराने गानों में लगता था कि भाई उनमें बेस आज के बास ट्रैवल नहीं दे पा रही, तो भाई ये बास ट्रैवल उन्हीं के लिए है, ऑर्डर कर सकते हैं। पर भाई मैं आपको फिर वही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बास ट्रैवल भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है, क्योंकि भाई ये इंडिविजुअल हाथ से कंप्लीट इसकी मेजरमेंट करके इसको जब बनाया गया है बास ट्रैवल को, ये कोई वैसे बास ट्रैवल नहीं है कि भाई किसी से हमने सर्किट ले लिया बना दिया। इसको सिर्फ या दो ही जने बना सकते हैं, या हम हैं एक दूसरा और हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो हमारे पंचकुला साइड रहते हैं, तो वो हैं वो बनाते हैं, तो या सिर्फ हम हैं या वो बना सकते हैं, अदरवाइज़ उनको पता है इसकी क्वालिटी, हमें पता है, और वो भी बहुत सीनियर है मुझसे, तो उनको इस चीज़ के बारे में सारी कुछ नॉलेज है इस बास ट्रैवल के बारे में। तो भाई आपको बता दिया मैंने,
अब वीडियो को देखो भाई, आपने देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। जो भी भाई इस बास ट्रैवल को ऑर्डर करना चाहता है और अपने मरे से मरे सेट में जान डालना चाहता है भाई, एक बार परचेज करके देखो और एक बार आप लगा के देखो तो आपको पता चलेगी। और हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई जो नॉर्मल बास ट्रैवल होती है उनमें सभी हम लोग क्या करते हैं कि भाई 100K का वॉल्यूम टोन लगा दिया तो उनका सारा एक में ही, जैसे बेस में 100K और आपका ट्रेबल में 100K, मास्टर वॉल्यूम में 100K लगा दिया नहीं है तो। पर भाई ऐसा इस बास ट्रेबल में नहीं होगा, इनके पर्टिकुलर वॉल्यूम टोन लगेंगे कि कौन सा वॉल्यूम टोन किस में लगेगा, तब जाके बास ट्रेबल रन करेगा, ठीक है। और लाउडनेस इनबिल्ट रहेगा, लाउडनेस इसी के साथ आता है, कोई अलग से कनेक्शन नहीं करने के भाई, आपको इधर से उठा के उधर दिया, सर्किट से ही लाउडनेस का कनेक्शन उठेगा, वही आपको कंप्लीट पैक मिलेगा ये पैक होके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई, एंड में आपको वीडियो की क्वालिटी साउंड कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई देखो आपके लिए रिस्क लिया है, कॉपीराइट का वीडियो का इश्यू पूरा रहेगा, तो भाई पूरा आप बताना जरूर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और KDODO चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं आपको दिखा देता हूं अभी कैसे कैसे बास ट्रैवल्स पे वर्क चल रहा है। ये बास ट्रैवल आप देख सकते हैं जो कि अभी तक लोगों के पास देखने के लिए भी नहीं है। हम सिंगल सप्लाई के बास ट्रैवल्स में, सिंगल सप्लाई के ऑडियो बोर्ड में ज़्यादा काम करते हैं, तो भाई ये बास ट्रैवल आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे बास ट्रैवल अभी हमारे पास हैं जो कि लोगों ने अभी देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो वो बास ट्रैवल अभी चल रहे हैं, और ये बास ट्रैवल तो नॉर्मली सबने देख ही रखा है, तो इसमें भी IC हमने चेंज करा हुआ था। पीछे से भी दिखा देता हूँ, देखिए पीछे भी हमने इसमें कारिस्तानी कर रखी है, तो ठीक है। और अब आपको आगे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। KDODO चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और भाई ये बास ट्रैवल जिसको भी ऑर्डर पे मंगानी है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। KDODO चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।